नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। प्रदेश के सबसे बड़े अभयारण्य नौरादेही अभयारण्य में तितलियों का सर्वे किया गया है। बताया जा रहा है कि बाहर से आई हुई टीमों द्वारा तितलियों का सर्वे किया गया और 50 से भी ज्यादा प्रजाति की तितलियां यहां पर पाई गई हैं। प्रदेश के सबसे बड़े भूभाग में फैले नौरादेही अभयारण्य से एक अच्छी खबर सामने आई है। अभयारण्य में पहली बार तितलियों की प्रजातियों का सर्वे किया गया है, जिसमें 50 से अधिक प्रजातियों की मौजूदगी अभयारण्य में पाई गई है। वन विभाग के द्वारा पहली बार नौरादेही में तितलियों की प्रजातियों का सर्वे किया गया। 3 दिनों तक चले इस सर्वे में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की तितलियों की मौजूदगी अभयारण्य क्षेत्र में पाई गई है। तितलियों की दुर्लभ प्रजातियों की अभयारण्य में मौजूदगी से वन विभाग में खुशी की लहर है। नौरादेही रहली के SDO सेवाराम मलिक ने बताया कि बटरफ्लाई सर्वे का कार्य 19 तारीख से शुरू हुआ था, जो कि 21 तारीख तक 3 दिन चला। सर्वे टीम में 13 सदस्य दिल्ली और 2 सदस्य जबलपुर के शामिल हैं, जिनके द्वारा बारीकी से सर्वेक्षण के कार्य किए गए। 3 दिन तक चले सर्वेक्षण में 50 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई गई हैं। अभयारण्य में दुर्लभ प्रकार की तितलियों की मौजूदगी से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये शासन में वन्य प्राणी वन विभाग है, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि भाई सभी प्रोटेक्टेड एरिया में इस बार तितली सर्वेक्षण कार्य कराया जाएगा। तो इसी सीरीज में हमारी वन मंडल वन्य प्राणी जो नौरादेही है, उसमें DFO साहब के मार्गदर्शन में 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में तितली सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है और ये नौरादेही में प्रथम बार कराया जा रहा है। 19 तारीख को करीब 11 लोग जबलपुर से और 2 लोग दिल्ली से आए थे, तो 12-13 वॉलंटियर्स आए हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं तितलियों में, तो तितलियों की पहचान करने में।